अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मारिया आबिद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ 101 इनक्रेडिबल वुमेन सीईओज ऑफ पाकिस्तान। आज हमारे साथ हैं माहम तारिक, ये साइकिलिंग कोच हैं और एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी चलाती हैं जिसका नाम है फास्ट बी, और बहुत बड़े बड़े ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं, बच्चों को साइकिल चलाना सिखाती हैं और बड़ों को भी। लेट्स मीट हर। अस्सलाम वालेकुम माहम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू 101। थैंक यू। आपने कैसे ये अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया? आपको हमेशा से शौक था? What motivates you? Basically, ये बात है 2009 की। मेरा साइकिलिंग करियर स्टार्ट हुआ 2009 में। तो 2019 से लेके 2018 तक मैं खुद नेशनल लेवल एथलीट रही हूँ। अच्छा, माशा। तो और मैंने इंटर यूनिवर्सिटी खेला है, नेशनल खेला है, और उसके बाद क्योंकि मेरी स्टडी जो है वो स्पोर्ट्स पे 100% स्कॉलरशिप पे थी, तो जैसे ही मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई है तो मैंने स्विगस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा लास्ट इवेंट सोइगस डिपार्टमेंट की तरफ से था, बिकॉज ऑफ सम इंजरी मुझे मेरा गेम छोड़नी पड़ी। तो जब मैंने गेम छोड़ी तो मेरी फेडरेशन ने मुझे कहा कि वी डोंट वांट टू लूज यू, तो आप कोचिंग साइड पे आए। तो मेरी फेडरेशन ने मुझे कोरिया भेजा फॉर द सर्टिफिकेशन। देन एक महीने का वहाँ पे पढ़ाई के बाद आई गॉट अ सर्टिफिकेशन, और मेरे पास एक टाइटल था, वाज द मोस्ट यंगर सर्टिफाइड कोच इन पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन। लाइक फेडरेशन के अंदर सब बड़े बड़े वो लोग थे जो मुझे कभी स्टार्ट देते थे, और अब मैं उनके साथ खड़े होकर काम कर रही थी। तो ऐसा ऐसा वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करते करते कोचिंग में आई, कोचिंग से टेक्निकल ऑफिशियल बन गई और कमर्शियल पैनल में अब मैं हूँ। तो नेशनल इवेंट्स जज भी करती हूँ, और कोशिश यही है कि साइकिलिंग में जितना रेवोल्यूशन हम लेके आ सके, खासतौर पर फीमेल्स में और बच्चों में, तो बस वही कोशिश है। अच्छा, बच्चों में साइकिलिंग का क्या फ़ायदा है? बच्चों में आप यकीन करें कि साइकिलिंग का इतना ज़्यादा फायदा है कि शायद ही किसी और गेम में हो। हर कोई अपनी गेम को अच्छा समझता है, मैं अपनी गेम को अच्छा समझती हूँ। लाइक साइकिलिंग इंडिपेंडेंसी सिखाती है, और इट्स कनेक्टेड टू द एनवायरनमेंट, लाइक ये आपको नेचर के करीब रखती है। क्योंकि अगर आप दूसरी गेम्स देखें, उनके लिए एक स्पेसिफिक सा एरिया होता है, उसमें ही बच्चे खेलते हैं, लेकिन साइकिलिंग में आप रोड पर जाते हैं और आप एनवायरनमेंट के साथ मतलब कि बहुत कनेक्टेड रहते हैं। और इसके अंदर आप अगर आप टूरिस्ट, एक नशा है साइकिलिंग पे टूर करना, एक नशा ही मैं कहूंगी। आज सुबह मेरी दो जर्मनी से कपल आए हुए थे साइकिल पर। अच्छा, उनसे ही मुलाकात हुई। तो कहने का मकसद ये है कि साइकिलिंग आपकी खुद एक साइकी होगी, कि अगर आप यहाँ मॉडल टाउन में अगर आप एक रूट लगाएं, तो आप दो दिन वो रूट लगा लेंगे, तीसरे दिन आप कहेंगे कि मैं देखूँ इस गली में क्या, तो आप रूट करते करते उस गली में चल जाएंगे, फिर आप कहेंगे आगे क्या, तो आपको डिस्कवर करने का ना वो एक फील आती है, तो वो वेरी कनेक्टेड टू द एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग। आपने ओलंपिक्स को भी रिप्रेजेंट किया, बट दैट वाज द स्पेशल ओलंपिक्स। जी जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? दैट्स वंडरफुल। यकीन करें कि मेरे इस 13-14 साल के एक्सपीरियंस के अंदर जो मुझे इनर सेटिस्फेक्शन, जिसे कहते हैं कि इनर सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे मुझे एक पीस अगर मिला है कि मेरा जो नॉलेज है और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सही जगह मैंने यूटिलाइज किया है, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स। क्योंकि इसमें हम इंडिविजुअल डिसेबल बच्चों में काम करते हैं। वो बच्चा है जो कि अक्सर जिन घरों में ऐसे बच्चे होते हैं, या तो माँ बाप उनको एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट करते हैं तो वो मास्टर से छुपा के रखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि जिस तरह हम आम इंसान में भी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला ने कोई सलाहियत कम रखी होती है तो कोई ज़्यादा कर दी होती है, वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट दैट पॉइंट। तो स्पेशल बच्चे में आप जितना ज़्यादा काम करेंगे ना, वो आपको यकीन करें डबल आउटपुट देंगे। आपकी इनपुट इतनी नहीं होती, लेकिन आउटपुट बहुत ज़्यादा मिलती है। तो मेरा जब नॉलेज, क्योंकि आई एम हेड कोच इन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान, और 4 साल के बाद हमारी वर्ल्ड गेम्स आती हैं, इस दफ़ा हमारी वर्ल्ड गेम्स जर्मनी में थी। तो पूरे पाकिस्तान से बच्चे इकट्ठे हुए हुए थे, और अमंग 46 एथलीट 8 राइडर्स को शॉर्टलिस्ट करके उनको जर्मनी में लेके जाना वॉज अ टफ टाइम। लेकिन आप यकीन जाने, जब वहाँ पे विक्ट्री स्टैंड पे जब मेरे बच्चे खड़े होते थे, तो वो सारा एक टफ टाइम और एक वो रिलीव इज समथिंग एल्स। फिर आप ये भी देखेंगे, एक स्पेशल बच्चा है और माँ बाप उससे बिल्कुल उम्मीदें छोड़ चुकी हूँ, और वही बच्चा नेशनल में चला जाए, और उससे भी बढ़ के नेशनल में वो जब एक मेडल ले आए, तो वो जो मदर की एक फीलिंग है ना, वो आप खुद भी समझ सकती हैं कि वो मदर की क्या फीलिंग होगी, कि रात को 2 बजे अगर आपको एक मदर का 2-3 मिनट का लंबा लंबा मैसेज आए रोते हुए,
कि आप ही हैं, आपने किया ये है वो है, तो इस तरह के इमोशनल जब मैसेज आते हैं और बुजुर्ग आदमी जब आपका माथा चूम रहे होते हैं कि बस आपने किया है, तो वो खुद को मैं एक अलग लेवल पे समझती हूँ. हालांकि आई डू दिस फॉर नथिंग, लाइक मैं वॉलंटियरली काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे इसमें दुखता नहीं है. इन सेंस कि हमारे पास कमाने के और काम करने के बहुत ज़्यादा जरिए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप अपने लिए करते हो और अपनी आखिरत के लिए करते हो. तो दिस इज़ दैट थिंग कि मैं इन बच्चों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हूँ और इतना इन्वॉल्व हो गई हूँ कि आई वॉन्ट टू स्टडी मोर ऑन देम. और मैंने किया तो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अब लाइफ टाइम चलने का मेरा इरादा है. और बेशक मैं किसी एनजीओ के साथ कनेक्टेड हूँ या ना हूँ, इंशाल्लाह मेरी जर्नी उनके साथ कंटिन्यू रहेगी. इंशाल्लाह इसमें हम आपके लिए ज़रूर दुआगो हैं कि जो आप चाहती हैं वो ज़रूर हो. आपकी अपनी कंपनी भी है इवेंट मैनेजमेंट की, फास्ट भी, उसके बारे में बताइए. जी मेरी कंपनीज मैंने स्टार्ट की अभी 2 साल हुए हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी विद द नेम ऑफ फास्ट बी, और हमारा स्लोगन है बॉर्न टू चेंज. तो इसका मेन मकसद यही है कि इट्स अ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, और इसके अंदर क्योंकि कॉम्पिटिशन्स का जो माहौल एक हमारे पास है नेशनल, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लेवल पे भी, खास तौर पे आप जितनी कॉम्पिटिशन्स देखेंगे वो सारे एल्डर्स के लिए होते हैं. यहाँ तो स्कूल्स के अंदर होते हैं, स्कूल्स में वही बच्चे होते हैं जो आपस में खेल रहे होते हैं, आपस में कम्पीट करते हैं, या तो वो होते हैं और वो कुछ क्रिएटिव नहीं है उनके पास, वही फुटबॉल है, फुटसॉल है, 2-4 चीज़ें. तो मेरा फोकस उस निगलेक्टेड एरिया पर रहा कि जो निगलेक्टेड एरिया डोमेस्टिक या इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा पाता. तो अंडर 12, अंडर 15 ईयर्स के बच्चों के लिए डिफरेंट इवेंट मैनेजमेंट इस कंपनी के अंदर मैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हूँ, जिसमें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, बैलेंस बाइक है, आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, फिर उसके अलावा क्रॉलिंग रेस, इट्स वेरी डिफरेंट थिंग, पाकिस्तान में नहीं होती. एग्जैक्टली, छोटे छोटे बच्चे क्रॉल करते हैं. फिर बैलेंस बाइक है, 18 माह से 5 साल तक के बच्चों के लिए. बैलेंस बाइक इज अ वेरी यूनिक आइडिया. आई एम अ फाउंडर ऑफ बैलेंस बाइक कॉम्पिटिशन इन पाकिस्तान. अच्छा, माशाल्लाह. और इक्विपमेंट भी सारा मेरा बाहर का है. और इसमें 18 माह से 5 साल तक का बच्चा जब बैलेंस बाइक चलाता है तो उसको माँ बाप की सपोर्ट की जरूरत नहीं रहती, इंडिपेंडेंसी पैदा होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और ऑटोमेटिकली उनकी लेग्स अर्ली एज में ही स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाती है. उनको पता है कि हमारा क्या काम है, उनका विजन वाइड होता है. तो बहुत अर्ली एज में आपको सपोर्टिव व्हील्स को बेसिकली डिस्करेज करते हैं. सपोर्टिव व्हील्स आपको बहुत जल्दी एक डिपेंडेंट मोड पे ले जाता है. तो वो जो डिपेंडेंट मोड है ना, बेसिकली उसको मिनिमाइज करने की जरूरत है. क्योंकि आप छोटे से बच्चे में ही अगर अर्ली एज में ही अगर आप उसको डिपेंड होना सिखा देंगे तो वो आप बड़े होते 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 वो डिपेंड ही रहेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है. तो अगर अर्ली एज में आपको इंडिपेंडेंसी उनको दे देंगे तो वो खुद को संभाल लेगा इंशाल्लाह. स्पोर्ट्स में हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत कम हैं गर्ल्स जो आती हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी एक चैलेंज रहा होगा, जहाँ पर इतनी मेल हैं उसमें एक लड़की और साइकिलिंग कोच. बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं नई नई कोचिंग कोर्स करके वापस आई थी तो हमारा जो पैनल था, पैनल के अंदर 26 मेंबर्स थे, जिनमें से मैं अकेली फीमेल थी. तो इसी तरह जब हम टीम लेके बाहर जाते हैं तो वो इतने सारे लड़कों को एज ए कोच लेके जाना, वो एक अलग सा होता है. नो डाउट थोड़ा सा टफ होता है, पेरेंट्स को भी समझाना, घर वालों को भी समझाना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ये चीज़ आ गई है समझ के, ठीक है मेरा पाथ थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये है कि सेफ एंड सिक्योर है. क्योंकि फैमिली माहौल होता है, फैमिलीज होती हैं इसके अंदर, और सबसे बड़ी बात ये है कि आई एम डूइंग समथिंग दैट दे कैन सी, तो बस उनका एक यकीन है मेरे पे. तो मैं उसको बस लेके चल. फ्यूचर गोल्स क्या आपके? फ्यूचर गर्ल्स गोल्स मेरे यही हैं, एक तो मेरी जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उसको मैं मज़ीद इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ, कि हम बड़े बड़े इवेंट्स करवाएं, स्कूल्स के साथ मिलके इवेंट्स करवाएं, और हम लोग स्कूल्स को एक मतलब कि नए तरीके से इवेंट्स की तरफ हम लेके जाएं, कुछ इनोवेटिव, कुछ मोटिवेटेड सा हो, जिसमें पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व हों और बच्चे के लिए कुछ नया हो, बच्चे सीखें भी. और ये तो बहुत मज़े की बात है कि अगर ऐसा कोई इवेंट हो जिसमें पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मैंने जो आपको मैंने बात की है इसकी, क्रॉलिंग रेस की और बैलेंस बाइक की, इसमें हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं.
लाइक एक साइड पे आपकी मदर है, एक साइड पे फादर है और बीच में क्रॉलिंग कर रहा है बेबी, तो वो जाहिर बात है फादर उस तरफ से कहेगा आगे जाओ और मदर बुलाएगी, तो वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो और इवन दो कि अगर स्पेशल बच्चे में भी बात करें तो मेरा ये होता है कि मैं लाजमी उनके पेरेंट्स को बुलाती हूँ कि आप मेरे साथ यहाँ खड़े रह के उससे करें। और एक और चीज़ ये है कि मैं किताबें नहीं पढ़ती, मैं मदर्स के साथ बैठ के उनसे बात करके इंसानों को पढ़ती हूँ। अच्छा। मैंने वो चीजें बिल्कुल नहीं की कि मैं किताब से पढ़ू, ये प्रैक्टिकल एग्जैक्टली आई बिलीव ऑन प्रैक्टिकल, क्योंकि मेरी अगर आप स्टडी की बात करें तो आई एम आईटी इंजीनियर। अच्छा। और मेरा जो करियर मैंने चूज किया भाई जिसमें मुझे पीक मिला है वो टोटली स्पोर्ट्स, टोटली डिफरेंट थिंग्स है। तो बस जहाँ आपको लाइफ ले जाए और जहाँ आपका लिखा हो। बिल्कुल जी। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम उसमें आपकी पार्टिसिपेशन थी। जी हाउ वाज दैट? दैट वाज रियली वेरी नाइस एक्सपीरियंस। बेसिकली स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान इज अ एनजीओ जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों के लिए काम करती है और इसको लीड रौनक लखानी कर रही है कराची से। और हमारी जो स्पेशल ओलंपिक्स इन द वर्ल्ड गेम्स होती है वो 4 साल के बाद आती है। तो वो 4 साल के बाद मैं क्योंकि वहाँ पे एज अ साइकिलिंग हेड कोच थी तो अमंग ऑल ओवर द पाकिस्तान से हम लोगों ने जो बच्चे लेके गए थे और उनमें से 8 बच्चे हमारे शॉर्टलिस्ट हुए थे और उन 8 बच्चों के साथ वी वेंट टू जर्मनी बर्लिन में वर्ल्ड गेम्स के अंदर। और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 8 बच्चों ने 10 मेडल लिए थे। अच्छा। 4 गोल्ड 4 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज एंड दैट वाज द बेस्ट टर्नओवर, यू कैन से द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स इन द हिस्ट्री ऑफ साइकिलिंग इन पाकिस्तान। अच्छा। इतनी तादाद में साइकिलिंग के अंदर मेडल्स आज से पहले कभी नहीं है। व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू द यंग गर्ल्स? यंग गर्ल्स मैं क्योंकि साइकिलिंग जो है वो फीमेल्स को भी सिखाती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी ख़वातीन आती हैं जो 40+ भी होती हैं। वो ख़वातीन हैं कि उनके बच्चे साइकिलिंग करते हैं बट इतनी अर्ली एज में जाके उनको एक फियर होता है क्योंकि छोटी हाइट से गिरे ना तो आपको फियर नहीं होता, बड़ी हाइट से गिरे तो फियर होता। तो इस वजह से बच्चे को गिरने का डर नहीं होता, हमेशा बड़े को ही डर होता है। तो वो एक फियर अर्ली फीमेल्स में ही होता है, अर्ली एज की फीमेल्स में। तो वो एक फियर हटाने की ज़रूरत है और बाहर निकलने की ज़रूरत है और हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी एक्टिविटी को ज्वाइन करने की ज़रूरत है। और ये आपकी जो एकेडमी है कज़ाफी स्टेडियम में वो इसको लेकर चल रहा है? जी बिल्कुल, उसमें वो ओपन फॉर ऑल है, नो जेंडर, नो एज, नो रिस्ट्रिक्शंस, नथिंग, इट्स फॉर ऑल। आप किसी भी एज में आए, आपने बस साइकिलिंग की स्किल सीखनी है और जाना है, यूर वेलकम। अगर आपने मंथली बेसिस पे आना है, यूर वेलकम। मतलब कि कोई लिमिटेशंस नहीं है, ओपन है ये, तो सबके लिए है वो। और उसके अलावा मैं होम ट्यूशंस भी देती हूँ, अगर किसी ने साइकिलिंग सीखनी है लेकिन मेरे पास आ नहीं सकता तो मैं उनको होम ट्यूशन भी देती हूँ। बाइक भी? जी बाइक बाइक अपनी अपनी होती है, अगर मेरे पास होती है तो मैं उसको रेंटल पर दे देती हूँ अगर उनके साइज की होती है। तो बस ऐसे ही है कि बस हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेशक आप छोटी एज के हैं, बड़ी एज के हैं या जो भी एज के हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल को जब आप अपनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप खुद भी खुशगवार रहेंगे और आप लोगों को आसपास के एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी नजर आना शुरू, ज़्यादा देर तक जिंदा भी रह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच माँ, हम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और आपकी हम अकेडमी जरूर आएंगे इंशाल्लाह।